सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रुबीना, खबर शाया करो, मुबारकबाद की तकरीब बरतानवी सिफारतखाने के सामने होगी, यकीनन मुखालिफीन इस्तकबालिये में शामिल होना चाहेंगे। हम यहाँ पर आपका तारुफ उस्मानियों के नए आजाद ख्याल बादशाह की हैसियत से करवाएंगे। हम इस हद तक बढ़ जाएंगे कि अब्दुल हमीद हमारे मकसद के आगे सरे तस्लीम खम कर लेंगे। छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को, हमें जाने दो, छोड़ दो। छोड़ो। अम्मी। परेशान ना हो, मैं इसे नहीं मारूंगा, कम से कम अभी तो नहीं। क्या सोच रहे हैं शहजादे? इस खत ने हमारे दिल को गरमाया, फिर भी फैसला करना मुश्किल है। उससे कहो कि हम इस बच्ची का कल एंजो से तबादला करेंगे। ठीक है, हम एहतजाज करने वालों को मुश्तैल कर देंगे। वैम्बरी, जब तक खून नहीं बहेगा हम इसे खत्म नहीं होने देंगे, और अब्दुल कादिर को दिल से महसूस करवाएंगे कि उनके बाबा जालिम हुक्मरान हैं। आप मुजाहिरीन से कहेंगे कि यह एहतजाज रियासत और मिल्लत के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है, और जो लोग बरतानवी फतह का जश्न मनाना चाहते हैं उन्हें जाने दें। अगर हमें इस बात का पुख्ता यकीन हो गया कि हमारे पापा वाकई एक जालिम हुक्मरान है, तो एक लम्हा भी नहीं रोकेंगे हम। चलो जाओ, जल्दी करो। हम सब यहाँ आजादी के लिए जमा हुए हैं, हमें हमारा हक चाहिए, हम इस तरह से यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें आजादी चाहिए। सिपाहियों, रोको इन्हें। दे दूं भाई आपको, एक दफा खाकर तो देखिए, मजा आ जाएगा। ये सब दे दो मुझे। ठीक है भाई। तुम एक बहादुर आदमी हो, चलो देखते हैं। नादिर साहब, इसे बाद में मुकम्मल कर लीजिएगा।
बुजुर्गों को कत्ल किया तुमने, एक बच्ची को अगवा किया, ये दूसरी बार है। अगर तुम ये समझते हो कि बच्चों के पीछे छुपकर मुझसे महफूज रह सकोगे तो याद रखो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। दरअसल तुम एक रहमदिल इंसान हो जबकि मेरा दिल तुम्हारे मुकाबले में बहुत सख्त है। मैं तुमसे तीसरा और चौथा मौका भी ले लूंगा। अमानतदार, जब रहम की उम्मीद होगी तब रहम नहीं किया जाएगा। शायद तुमने कोई कहावत इस्तेमाल की है, लेकिन तुर्कों की कहावतों के बारे में नहीं जानता मैं। तुम जान भी नहीं सकोगे, जिंदा नहीं रह पाओगे ज्यादा दिन। अतार, जैसा हमने तय किया था, तुम उस बच्ची को घर जाने दो और एंजो को ले जाओ अपने साथ। गारो, जैसा हमने तय किया था जाने दो। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अल्लाह आपका भला करे, आप जो कोई भी, अल्लाह आपका भला करे। एंजो, अपने सर की हिफाजत करना, कलम कर दूंगा। आपको लगता है हम एक अच्छी माँ बन सकते हैं? यकीनन आप बन सकती हैं नायमे बेटी। कभी कभी हम डर जाते हैं कि हम इन्हें कैसे पालेंगे। देखिए, एक बीज से दरख्त का निकलना कितना मुश्किल होता है, इसे बागबान की तवज्जो और मोहब्बत चाहिए। मजीद ये कि कभी कभी तेज आंधी चलती है, तूफान आता है और आपकी मेहनत को बर्बाद कर देता है, लेकिन अगर आपने वाकई मेहनत की है तो फल जरूर मिलेगा। आपके हाथ तो ठंडे हो रहे हैं बहुत। जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए नायमे। औलाद कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ को परवाह रहती है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। आइए चलिए। आ जाएं। सुल्तान मौज़ूम, बरतानवी सिफारतखाने के सामने मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। झगड़े के दौरान एक बच्चा बुरी तरह कुचला गया। सुल्तान मौज़ूम, अब हमें क्या करना चाहिए? जो जरूरी है वो कीजिए पाशा। बहुत बेहतर सुल्तान मौज़ूम, दरवाजा खोलो बेटा। एक आदमी आता है, मोहल्ले पर कब्जा कर लेता है, आर्दिश का हाथ काट देता है। वो हमारा मुखालिफ है और हम सिर्फ उसका उर्फिया नाम जानते हैं, ऐसा ही है ना? इमानतदार, हमने जांगोस का इंतकाम तक नहीं लिया। ततार, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। जांगोस का इंतकाम हम पर कर्ज है। आपका क्या हुक्म है जनाब? जाओ और उस मोहल्ले की हिफाजत यकीनी बनाओ। जाहिर है वहां कुछ तो है जिसके वो पीछे है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो हमसे कुछ भी नहीं ले सकते जब तक हम देना ना चाहें। उस्मान, फौरन सुल्ताने मौसम के पास जाओ। तुम आगा करो सूरत हाल से। उस मोहल्ले की अहमियत है तो सुल्ताने मौसम को मालूम होना चाहिए। जो आपका हुक्म चाचा। पाशा, सुल्ताने मौसम ने मुजाहिरे को खत्म करवाने का हुक्म दिया है। पाशा, सुल्तान मौज़म का हुक्म है तो चलिए रोकते हैं इन्हें। मगर हम ये कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, हम बंदूकें इस्तेमाल करेंगे।
क्या हम इनका खून बहाएंगे पाशा? पाशा, हम बंदूकें वैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं। सिपाहियों से कहेंगे गोलियां निकाल दें। सिपाहियों, बंदूकें संभालो, गोलियां निकाल दो उनमें से। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, मेरे बेटों, अब मेरी बात सुनो। आप ये समझेंगे कि आपके हाथ में बंदूकें नहीं बल्कि ये डंडे हैं। जब पाशा आपको हुक्म देंगे तो आप इन्हें मुंतशिर करने के लिए आगे बढ़ेंगे और बंदूकों को लाठियों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये देखने में तो कम है लेकिन शैतानी पर उतर आए हैं। चलो मेरे बेटो, चलो। शाबाश, पाशा इन्हें हमले का हुक्म दें। सिपाहियों, आगे बढ़ो। ये तो बहुत ज्यादती हो रही है। अब आपने क्या फैसला किया शहजादे? क्या सुल्ताने मुअज्जम जालिम है या नहीं? वो मुट्ठी भर लोगों के मुखालिफ नजरिए को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्यों इन्हें बेदर्दी से मारा जा रहा है? हम मस्जिद नहीं ठहर सकते, जा रहे हैं। सबाहद्दीन का साथ देंगे हम। क्या आप हमारी मदद करेंगे यहाँ से निकलने में? मेरा ख्याल था कि आप ये सब देखकर यहाँ हरगिज ठहरना नहीं चाहेंगे शहजादे, इसलिए मैंने सब कुछ तरतीब दे दिया था। एंजू नामी एक अतालवी आदमी आपको लेने आएगा। आप पहले इटली और फिर उसके बाद पेरिस जाएंगे। लेकिन कुछ बातें बहुत आम हैं। अगर आप इस जुल्म को हतमी तौर पर खत्म करना चाहते हैं तो सबाहतीन साहब ने अपने खत में जिस तलवार का जिक्र किया था वो अपने साथ ले जाइएगा। जो जरूरी हुआ हम करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ और इंतजाम कर लेता हूँ ताकि आपका सफर बखैरियत हो। क्या आप मुझे मारने वाली हैं? अपने होने वाले शोहर को कौन मारता है? मैं नहीं जानता कि आप इसका क्या करेंगी, लेकिन आप पहले ही मेरे दिल का निशाना ले चुकी हैं। वाकई में? आपको शक है कोई? तो अब हमें शादी के बारे में सोचना चाहिए। हर कोई मुझसे पूछता रहता है कि हम इसमें ताखीर क्यों कर रहे हैं। मंसूबों की तकमील के लिए अभी महल में रहना जरूरी है बहुत। और अभी अब्दुल हमीद शक की निगाह से देख रहे तुम्हें, तो ऐसे में हमारा शादी करना ठीक नहीं है। तो आप कह रही हैं कि मुझे साजिश में ही रहना पड़ेगा, ऐसा ही है? तुमसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। मेरी खातिर तुम इतना भी नहीं कर सकते? मैं खुद को नहीं बल्कि दुनिया को आग लगा सकता हूँ। तो तुम पाया तख्त को आग क्यों नहीं लगा देते? आग की बात हो रही है तो मेरा अगला मंसूबा अब्दुल हमीद के दिल को जलाकर राख कर देगा। क्या वाकई? अब क्या करने वाली है आप? पूरे महल में सिर्फ सोग होगा। तुम कैसी हो? क्या पहले से बेहतर हो? शिवनाथ ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे बाबा को अब्दुल हमीद ने मारा है जैसे उसने तुम्हारे बाबा को मारा था। जैनब, इंतकाम लेने में मेरी मदद करो। हम मिलकर अपना इंतकाम लेंगे। मदद करोगी ना? विक्टोरिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम इस महल में इंतकाम लेने के लिए नहीं आई? अब्दुल हमीद ने हमारे बाबा छीन लिया हमसे, उसको भी तकलीफ होनी चाहिए। जब उसके किसी अजीज की मौत होगी तब उसे हमारी तकलीफ का एहसास होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई मंसूबा बना रहे हो तो उसे फौरन वहीं रोक दो। इंतकाम लेने का ये तरीका नहीं कि किसी की जान ले ली जाए। हम में से कोई किसी को नहीं मारेगा, ना तुम और ना ही मैं, क्योंकि हम कातिल नहीं,
फिर हम क्या करें? हाँ, क्या वो अपने किए की कीमत नहीं चुकाएगा? देखो विक्टोरिया, हर कोई इस दुनिया में अपने किए की कीमत अदा करता है। बस मुझे यकीन है विक्टोरिया, जो अब्दुल हमीद ने हमारे साथ किया है उसकी कीमत वो जरूर अदा करेगा। तुम्हें तो अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं शिवनास के सामने कितना सबर करने की कोशिश करती हूँ। मेहरबानी करके सबर करो, मुझ पे एतबार करती हो ना तुम। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मोज़म, हमने आपके हुक्म के मुताबिक एहतजाज खत्म करवा दिया। अगर वो तशद्दुद की राह ना अपनाते तो हम उन्हें एहतजाज करने देते। अगरचे वो गलती पर थे, फिर भी हमने समझाने की कोशिश की। वो हकीकत से बिल्कुल आगा नहीं है पाशा, वो हमें खूनी सुल्तान की हैसियत से देखते हैं, लेकिन बर्तानिया के अफ्रीका में कत्लेआम का जश्न मना रहे हैं। वो हमें जालिम कहते हैं, लेकिन वो उनके हक में नारे बुलंद कर रहे हैं जो वाकई जालिम है। पायतख्त में आजानों की आवाज के साथ परवान चढ़ने वाली नस्ल इस राह पर कैसे चल पड़ी? ठीक है, वो मुखालिफ हैं, समझ जाएंगे, लेकिन जो राह उन्होंने अपनाई है उसमें तबाही है, फुस्ताहित परस्ती के शिकार हो रहे हैं। तहसीन पाशा, हमें नहीं लगता कि इस एहतजाज में लूट मार करने वाले पायतख्त में पैदा हुए और यहीं परवरिश पाई। सुल्तान मोहज़्ज़म, मुझे लगता है कि एहतजाज में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर अस्करी दर्जगा के तालिबे इल्म थे, और उनमें से कुछ को मैं जानता भी हूँ। अस्करी दर्जगा के तलबा वहाँ क्या कर रहे थे पाशा? मैं नहीं जानता सुल्तान मोहज़्ज़म, लेकिन वो भी उस एहतजाज में शामिल थे। पाशा, आप वहाँ जाइए, तफ्तीश कीजिए और फिलफौर हमें आगाह कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मोहज़्ज़म। वेम्बरी ने अब्दुल कादिर को राजी कर लिया है, वो पेरिस जाएगा जैसा कि हम चाहते हैं। जॉरिस को खबर करो एंजो तैयार रहे, हम शहजादे को मंसूबे के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर भेजेंगे। क्या सोच रही हो बताओ मुझे? क्या सोचूंगी मैं? तुमने फैसला नहीं किया अब तक? तुम अपने बाबा का इंतकाम नहीं लेना चाहती? नाइमे गुज़िश्ता रात मेरे पास आई थी और मेरा हाथ पकड़ के वो रोने वाली थी। वो मेरे लिए बहुत अफसुर्दा है, मैंने इसके बारे में सोचा। बेवकूफ मत बनो विक्टोरिया, नाइमे को तुम्हारा कोई एहसास नहीं है, उसके बच्चे के आने की तैयारियां की जा रही हैं। काश तुम देख सकती कि वो कितनी खुश है और कितना हंस रही है। वो सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द ही अपनी अफसुर्दगी जाहिर करती है। तुम्हारे महल से चले जाने के बाद वो तुम्हारा नाम भी नहीं लेगी, वो अपने महल में अपनी जिंदगी गुजारेगी हमेशा, और तुम सिर्फ अपने दर्द के साथ अपनी जिंदगी जियोगी। मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। तुम उनसे अपना बदला लेकर ही अपने दिल की आंखों बुझा सकोगी विक्टोरिया। शिवनास खातून कैसा महसूस कर रही होंगी? कल का दिन उनके लिए बहुत बुरा रहा। विक्टोरिया से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। आप अभी भी शिवनास को कसूरवार ठहरा रही हैं। विक्टोरिया कह चुकी है कि शिवनास का कोई कसूर नहीं है, आपको उनसे माजरत करनी चाहिए। वो क्यों? क्या हमने कोई गलती की है बेटी? उन पर एक इल्जाम लगा था और हमने सिर्फ उसकी तहकीक करवाई। ये तो हमारा फर्ज था नाइमे बेटी। खुशकिस्मती से मामले की वजाहत हो गई। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शिवनास खातून के दिल में कदूरत ना रहे। सुल्ताना,
ये लीजिए शहजादी, आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या है नाय में? क्या नीलबेरी और लीमू का रस है? जी हाँ, हमारा सुबह से ये पीने का बहुत दिल चाह रहा था। आपका नहीं बेटी, आपके बच्चे का दिल चाह रहा था। आपका और क्या दिल चाह रहा है बेटी, बताइए, हर चीज का इंतजाम हो जाएगा। किरदे किबाब और सफर जल का मीठा। ओ माशाल्लाह। माशाल्लाह बेटी। आ नाई में बेटी, ये बच्चा महल में खुशी और सुकून लेकर आएगा, देखिए ना, पहले ही हमें कितनी खुशी दे रहा है। इंशाल्लाह पुपी जान, इंशाल्लाह बेटी। कहने का मतलब है, जैसा आप शहजादा चाहते हैं हम वैसा बनना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां जानना चाहते हैं। आखिरकार बेटे, आखिरकार आपने हमें बे इंतहा खुशी दी है, जैसे हमारे बाग में बाहर का मौसम आ गया हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाही के लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें रियासती रिवायात, इंतजामिया और तरीकाकार समझाया जाए, ताकि हम मुकम्मल वफादारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, रुचाल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इंतजार करवाएं। सुल्तान मुअज्जम ने कहा है कि आप इंतजार करें। इसे किस कदर नफासत से बनाया गया है। आप एक बड़े सौदागर हैं रुस्चैल साहब, आप ये नफीस तुर्क कालीन पूरी दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचा देते? तिजारत इस तरह से नहीं की जाती। एक एक करके ऐसे नफीस कालीन तैयार करवाने में लागत ज्यादा आती है और मुनाफा कम होता है, इसलिए अगर हमें कालीन फरोख्त करने हैं तो हम एक किस्म का कालीन फरोख्त करेंगे। सुल्तान मुअज्जम ने आपको बुलाया है, चलिए। आइए। सुल्तान मुअज्जम, खुश आमदीद। इजाजत दीजिए। सुल्तान मुअज्जम, क्या हम आपसे आपके तखनशीन होने की तकरीब के बारे में पूछ सकते हैं? तखनशीनी की तकरीब में अपने पास आपने एक तलवार रखी थी, नहीं जानते कि उस तलवार को कमर के साथ क्यों बांधा जाता है? हम महमूद सलीम साहब से कहेंगे कि वो आपको अजायब घर ले जाएं। पहले उस तलवार को देख लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। बोयर की जंग में बर्तानिया ने आपसे कर्जा लिया था, उन्होंने कर्ज ली हुई रकम से ही जंग जीती है। आपको अफसोस होगा कि जंग खत्म हो गई। अगर हम कहें नहीं तो यह झूठ होगा। बर्तानवी लड़ रहे थे, जंग के लिए रकम की जरूरत थी। बर्तानिया ने हमसे कर्ज लिया और हम इस कर्ज के बदले में ज्यादा से ज्यादा रकम कमाने के लिए उन्हें मराद दे रहे थे। यानी दूसरे अल्फाज में, आप जंग में मरने वालों के जरिए रकम कमा रहे थे। हाँ बिल्कुल, जो जो जंग आगे बढ़ रही थी हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही थी और हमारी दौलत की भी। रुथचाइल्ड साहब, जल्द या बदेर, आज या कल, इस निजाम को मिसमार कर दिया जाएगा। या तो आप जैसे दूसरे अफराद इसके बोझ तले दब जाएंगे। होना यही है।
السلام علیکم. میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ کہاں جانا ہے. میں تم سے بات کر رہا ہوں. کیا تم مجھے اغوا کر رہے ہو؟ کس کے آدمی ہو تم؟ زینب کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو اغوا کر رہی ہوں؟ آپ نے ابھی تو بتایا مجھے. پریشان نہ ہو، میں ایک اچھی گاڑی والی ہوں. میں اسے مریضوں کو ہسپتال لے جانے کے لیے استعمال کرتی ہوں. آپ کی حفاظت کے لیے تجویز کروں گی کہ آپ بیٹھ جائیے. کچھ یاد آ گیا مجھے، بالکل ایسا ہی پہلے بھی ہو چکا ہے. میں نے کہا رک جاؤ، کوئی مدد کرے میری. بیٹھ جائیے، آپ گر جائیں گی. بیٹھ جائیے بس. یہ آہانی سرپوش ہمارے پردادا عثمان غازی کا ہے. جب ہمارے دادا اورحان غازی نے برسا کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا تھا تو سر پر یہی آہانی سرپوش تھا اور خوشخبری سنائی. ہمارے پردادا عثمان غازی نے خوشخبری سنی اور وہ شہید ہو گئے. ہمارے دادا یاوس سلطان تخت نشین ہوئے تو لوگوں نے تقریب میں سے سرے سے پکڑ کر اس کا بوسہ لیا. یہ جھنڈا وہی جھنڈا ہے جو حسن صاحب نے استنبول میں لگایا تھا. یہ تلوار ہمارے دادا سلطان سلیمان محترم کی ہے. جب ہمارے بابا سلطان موسم سلطان بن سلطان عبد الحمید خان تخت نشین ہوئے تو یہ تلوار کمر سے باندھ لی. ہم تلوار کو چھو سکتے ہیں. تلوار بادشاہی کی علامت ہے بھائی، چھو لیجیے. سلطان موسم، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ دوست چلے گئے، اب وہ محفل نہیں ہوگی. نہ وہ محبت، نہ تو وہ دوستی، اور نہ ہی وہ بے تکلفی ہوگی. ضیاء پاشا، غم کی آگ مجھ میں بھڑک اٹھی، صبر کی کوئی طاقت باقی نہ رہی. اے دوست، اب یہ بھوسا جلانے کی کوئی حاجت باقی نہ رہی. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ عظیم زادے کے ہیں. ویمبری صاحب، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے غور کیا یا نہیں، آج عبد القادر ایسے نظر نہیں آ رہے جیسے وہ پہلے تھے. کیا مطلب ہے سلطان معظم؟ وہ غور و فکر کیے بغیر کچھ بھی کر دیا کرتے تھے.
और अब? अब माशाल्लाह बहुत संजीदगी से बात करते हैं, रियासत की तारीख और उसूल जानने के लिए भी पुरजोश हैं। बहुत खूब, ये तो अच्छा है ना? वाकई बहुत अच्छा है। हम अपने तमाम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं वेम्बरी साहब। वो बार बार गलतियां करते हैं लेकिन नौजवान हैं, लिहाजा ये आम बात है। जरूरी हो तो हम उन्हें सजा भी देते हैं। इसी हवाले से सोचिए, जब हम अपने बच्चों को भी सजा दे सकते हैं तो फिर उन्हें तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए कैसी सजा होगी? जैसा हम चाहते थे सब वैसा ही हो रहा है। अब्दुल कादिर पेरिस जाने के लिए रजामंद हो गया है। मैं अब किसी किस्म का हादसा नहीं चाहता। हमने एहतियाती तदाबीर कर ली है। करासो, अस्करी दरसगाह में अपना काम शुरू कर दो। जब हम अब्दुल हमीद के शहजादे को पेरिस ले जा रहे होंगे तब अब्दुल हमीद अस्करी दरसगाह में हमारे मंसूबे में मसरूफ होगा। सब कुछ तैयार है, मैं जैसे ही उन्हें हुक्म दूंगा वो काम शुरू कर देंगे। फुआद साहब, आप उन्हें महल में खबर दें, अस्करी दरसगाह में तुलबा बरतानवी परचम बुलंद करेंगे। जब अब्दुल हमीद इसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा तो हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। आप मुझे यहां क्यों लाई हैं? कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, लिहाजा आपको भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पुरसुकून होकर बात कर सकते हैं यहाँ। मेरे पास वक्त नहीं है अभी बिल्कुल भी। वैसे हमें क्या बात करनी है? जो कहना था कह दिया। और ये भी हो सकता है कि मेरा कुछ कहना बाकी रह गया हो आपसे। मेरा फर्ज मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है ज़ैनब। मैं जानती हूँ, और यही बात आपको मेरी नजर में सबसे ज्यादा मोहतबर बनाती है। मुझे अंदाजा है कि आप मुझ में दिलचस्पी रखते हैं, और यही वजह है कि आप मुझे खुद से दूर रखते हैं, और इसीलिए मैं भी इतनी जुरत कर लेती हूँ आपसे मिलने की। आपकी तकरीर खत्म हो गई तो मैं चलता हूँ फिर। बात खत्म नहीं हुई और ना ही खत्म होगी, और यहां तक कि आप मोहब्बत को छोड़ना चाहेंगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती थी कि आप ये जान लें। बहरहाल इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगी, किसी और दिन आपको दोबारा अगवा कर लूंगी मैं। ततार, जी जनाब, तुम्हें कैसे पता कि हम यहां हैं? ये मेरा फर्ज है जनाब। हम रूपोश हो गए हैं फिर भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। हर कोई हमें आसानी से तलाश कर सकता है। दमिश्क का फौलाद दुनिया का मजबूत तरीन फौलाद है, तहम तुर्कों की बनाई जाने वाली तलवारें इससे भी ज्यादा मजबूत होती हैं। तलवार को एक मखसूस खम दिया जाता है, इसे तुर्क खम कहा जाता है। इसका इस्तेमाल दूसरी तलवारों से मुख्तलिफ होता है और साथ ही मुश्किल भी। ये खम हमला करने वाली तलवार से बचाता है। इसका नाम यतागान है।
जानी सिरी ने फतुहात इन्हीं तलवारों से हासिल की। यूरोपी इस तलवार के खौफ से बहुत से शहर छोड़कर चले गए बेटे। याद रखिएगा, उस्मानी जिस तरह फौलाद को ढालते हैं ऐसे ही खुद को तरतीब देते हैं। सबसे पहले फौलाद को आग में डालें, अच्छी तरह पिघलाएं ताकि हथौड़ा मारने के लिए नरम हो जाए। हम भी बहुत चले हैं। जब आप देखें कि तलवार तैयार है तो इसे पानी में डालें। तकदीर ने बहुत तमाचे रसीद किए हमें। जब आप देखें कि फौलाद तैयार है तो इसे पानी में डालें। पानी में डालने का मतलब है कि तलवार अब तैयार हो चुकी है। जनाब करासू, तुम पर एतबार करते हैं। हमें भी करासू साहब पर पूरा भरोसा है, और हमें इस बात पर हैरत भी है कि एक यहूदी हमारे मुल्क से इतना प्यार करता है जितना हम करते हैं। करासू साहब रियासत के एक वफादार शख्स हैं। है ना, है ना? शायद तुम जानते हो कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं ये झंडा अस्करी दरसगाह में लगाया जाए। हम बरतानिया पर अच्छा असर डालना चाहते हैं। हम उनकी सरपरस्ती के बगैर कभी भी इस मुल्क में आजादी नहीं ला सकते। मैं जानता हूं, हम भी आप ही की तरह सोचते हैं। तो फिर ये झंडा थोड़े अरसे के लिए अस्करी दर्जगाह में लगेगा। हमला। साबित कदम रहेंगे आप। अल्लाह एक है। गद्दारी हकीकत है। जैसे वफादारी हकीकत है, हमला। हमला। जनाब मैं कुछ कहना चाहता हूं। नहीं तातार,
लेकिन मुझे कुछ कहने तो दीजिए। मैं जानता हूँ तातार, दरअसल मैं जैनब खातून के। तुम ये पूछना चाह रहे हो कि वो लड़की कैसी है, उसका दिल भी खूबसूरत है या नहीं? जवाब हाँ है, वो बहादुर भी है। तुम कहो कि जाओ, वो नहीं जाएगी। वो ना मोहब्बत से और ना ही मौत से खौफजदा है, किसी दुश्मन से खौफजदा नहीं है वो। हाँ, थोड़ी जज्बाती है, वो कुछ भी कर सकती है। वो किसी गैर मुतवक्का लम्हे में आपके सामने आएगी आपकी, और आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। उसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता तातार, उसे दुख नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये कहने वाला तो नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। तुम क्या कहने वाले थे फिर? अल्लाह की कसम मेरा सर बहुत तकलीफ करता है, तो मैं ये चाह रहा था कि ज़ैनब खातून मुझे कोई दवा तजवीज कर दें। चलो बस भी करो, अब बहुत काम करने हैं अभी। आ जाइए। सुल्ताना बैठिए। मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी, लेकिन अब आपको देख लिया कि आप ठीक हैं। आपका शुक्रिया। आप अब्दुल कादिर और सनीहा सुल्तान हमेशा मेरी मदद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ममनून हूं मैं आप तीनों की। कोई बात नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं। मेरी ख्वाहिश है कि विक्टोरिया भी आपकी तरह मुस्कुराए। अभी उनका गम ताजा है, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगी और खुश रहेंगी। आपकी तरह पुरुमीद नहीं हूं मैं। मैंने आज सुबह ही रोका उसे, वो बहुत गलत बातें अपने मुंह से निकाल रही थी। जैसे कि? उस वक्त वो सुल्ताने मौजम पर अपने बाबा के कत्ल का इल्जाम लगा रही थी। मेरे बाबा को नसीम साहब से क्या मसला हो सकता है? विक्टोरिया ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ, कोई मसला नहीं होगा उन्हें, लेकिन ख्वाबों की दुनिया में रह रही है वो। मुझे खौफ है वो जज्बाती हो रही है। आप कितनी अच्छी हैं शिबनास, आप विक्टोरिया की वजह से जिंदान में जाने वाली थी, लेकिन आपको फिर भी उनका ख्याल है। परेशान ना हो, अब मैं पहले से भी ज्यादा विक्टोरिया का ख्याल रखूंगी, ताकि वो जल्द से एहतियाब हो जाए। अमानतदार नामी एक शख्स पाया तख्त पर कब्जा करना चाहता है। सिरिंज पे मोहल्ले के लोगों को खौफजदा करके उन्हें घर खाली करने पर मजबूर कर रहा है। सुल्तान मौसम, वो हमारी अस्करी दरसगाह में अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं और बर्तानिया का झंडा लगा रहे हैं। अब्दुल हमीद को इस बारे में मालूम हो गया होगा कि शहजादे ने पाया तख्त छोड़ दिया है। ये उसके लिए बड़ी तबाही होगी। गद्दार ये चमक देखकर हमेशा खौफजदा रहेंगे।